नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से जुड़े मामले में लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। बता दें कि 22 अप्रैल यानी शुक्रवार के दिन यानी आज के दिन इस पूरे मामले पर 11 बजे सुनवाई हुई। लालू प्रसाद यादव के वकील और सीबीआई के वकील ने आपस में दलील देनी शुरू की, जिसके बाद पूरे मामले पर झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और आधी सजा काट लेने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को पूरे मामले पर जमानत मिल गई। जिसके बाद चारा घोटाले के जो 5 मामले झारखंड में चल रहे हैं, उन 5 मामले में लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई। इसका मतलब ये कि अब लालू प्रसाद यादव की कानूनी पेचीदगी को लेकर रांची की दौड़ कम हो जाएगी। बता दें कि लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार मामले में दोषी करार दिया गया था। 139 करोड़ से ज्यादा के अवैध निकासी का ये पूरा मामला था। 5 साल की सजा लालू प्रसाद यादव को हुई थी और इस पूरे मामले पर लालू प्रसाद यादव के वकील ने बढ़ती उम्र, आधी सजा काट लेने को आधार बताकर और लालू प्रसाद यादव की बीमारियों का हवाला देकर जमानत याचिका दाखिल की थी। उसके बाद इस पूरे मामले पर झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी। इस पूरे मामले पर इससे पहले 4 बार सुनवाई और हुई थी। 4 तारीख लालू प्रसाद यादव को और दी गई थी, लेकिन हर बार सुनवाई टलती रही। लालू प्रसाद यादव को तारीख पर तारीख मिलती रही और उसके बाद इस पूरे मामले पर जुम्मे के दिन, शुक्रवार के दिन, 22 अप्रैल के दिन अच्छी खबर लालू परिवार के लिए आई। बता दें कि 1990 से लेकर 1995 के दौर में डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ से ज्यादा की अवैध निकासी हुई थी और इस पूरे मामले में अब 27 साल बाद कोर्ट का फैसला आया। पहले लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई और फिर पूरे मामले पर लालू प्रसाद यादव को जमानत दी गई। चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए के गबन के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल चीफ 73 वर्षीय लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 फरवरी 2022 को 5 साल की कैद और 60 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद इस पूरे मामले में अब तक 4 बार सुनवाई हुई थी। 4 मार्च को याचिका में त्रुटियां थी। 11 मार्च को लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड तलब किया गया था। 1 अप्रैल को जज कोर्ट नहीं पहुंचे थे और 8 अप्रैल को सीबीआई ने वक्त मांगा था। अब निचली अदालत से मामले में रिकॉर्ड हाईकोर्ट पहुंच गए। सीबीआई ने भी अपना जवाब दाखिल कर दिया। दलील दोनों तरफ से पेश की गई और जिसके बाद लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी गई। तो आज का दिन बेहद बड़ा है लालू परिवार के लिए, आरजेडी के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए, क्योंकि आज एक और तो बिहार में पटना में तेजस्वी यादव की तरफ से राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है, वहीं दूसरी ओर डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को जमानत भी मिल गई है। रांची से हमारे संवाददाता सत्यजीत की रिपोर्ट आप देख रहे थे।